बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही इसमें है अभी, ठीक है, कितना नरम है या नहीं, इसको हम इसमें डालते हैं। ये जी शरबत हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं सज्जाद रहमान, आप देख रहे हैं अमान कैबल फूड। आज कुछ ना खास बनाने को दिल कर रहा था, और वो क्या है, मटन दम पोख। तो आइए हमारे साथ मिलके बनाते हैं, जायका तो बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए, इसके लिए हमें जो है ना मटन लिया है, तकरीबन जब लिया था तब तो 4 किलो था, अभी मेरे ख्याल 3.5 किलो या 3.25 किलो रह गया होगा। आलू, दुम्बे की जो है ना जो लाट की चर्बी होती है या चक्की की चर्बी होती है वो, प्याज, लीमू, लहसुन, ये हरी मिर्च, और नमक लिया है मैंने, लेकिन नमक मैंने लिया है पिंक साल्ट, आप आम ही साल्ट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो मटन हमने लिया है इस पे हम जो है ना अच्छी तरह से नमक लगाएंगे, ये इस पे नमक अच्छी तरह से लग गया है। अभी हमने इसको बनाना है इस पॉट में, इसमें सबसे पहले हमने जो है ना ये चर्बी जो होती है ये इसमें नीचे लगानी है। अब इसमें मैं डालूंगा जो हमने ये कटे हुए आलू रखे थे। अच्छा, आलू की तादाद जो है ना ये मतलब ये कि फ़िक्स नहीं है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने अंदाज़े के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। साथ साथ में हमने इसमें गोश्त मिक्स करना है, कोशिश हमने करना है कि नीचे जो है ना ज़्यादातर हम ये जो हड्डियों वाले पीसेज हैं वो हम डाल लें, और ऊपर फिर हम उसके थोड़ा सा नरम गोश्त डाल लें। और ये हमने फर्दर इसमें ये कुछ आलू डाल लिए, साथ में हमने ये इसमें डाल लिए साबुत प्याज। मुझे ये छोटे प्याज मिल गए तो उस वजह से मैं ये साबुत डाल रहा हूँ, अगर आपको छोटे नहीं मिलते बड़े हैं तो उसको आप पीसेस में भी डाल सकते हैं। तो ये जो लहसुन है, अब देखें इसमें लहसुन जो है ना लोग अक्सर साबुत डाल लेते हैं, मैंने थोड़ा सा सर से इसको काट दिया ताकि वो इससे जो है ना जो इसका रस है वो उसमें आ सके। इसको हमने उल्टा करके इस तरह डाल लिया, ये तकरीबन 3 मैंने डाल लिए, हरी मिर्च डाल ली, साबुत इसी तरह, साथ में ये कुछ मैंने लीमू डाल लिए, इसके ऊपर फर्दर मैंने ये गोश्त की तह डाल ली, जो रिमेनिंग गोश्त था वो हमने डाल लिया। इसका जो है ना ये कुछ लीमू का इसमें हमने ये रस डालना है। बाज़ लोग इसमें टमाटर वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे इसलिए कि वो उसका जायका फिर कुछ और हो जाता है। ये बल्कि कुछ मैंने लीमू इसमें इस तरह डाले, हमने इसके साथ ये काली मिर्च है ये हमने ऐड कर दी। अब इसको हमने रखना है दम पे। अभी हम ये थोड़ा सा आटे की जो है ना जो इसको कवर करेंगे साइडों से, ताकि दम के दौरान इसका जो भाप है, जो स्टीम है वो निकल ना सके। इसके ऊपर हमने ये जो बर्तन है किसी का ये हमने ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा इसको दबा दिया। अच्छा, इसको मज़ीद हमने इस पे अलमुनियम फॉइल से ये थाम किया है, बर्तन इसका तैयार हो गया। इसको अभी हमने जो है ना चूल्हे पे रख दिया है, पहले जो है ना 5 मिनट हमने थोड़ा सा जो है ना आँच तेज़ रखी है, उसके बाद इंतहाई वो लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे तक जो है ना इसको इसी पे पकाएंगे, और ये दम पे ही बनेगा। तो जब तक ये बनता है लिए कुछ और बनाते हैं। अच्छा जी, जब तक हमारा दम पोख्त या रोश तैयार होता है तब तक हम जो है ना एक ज़बरदस्त सा शरबत बनाते हैं। ये शरबत इसको बेसिकली कहते हैं कुलुक्की, और कुलुक्की जो है ना ये केरला का स्ट्रीट फूड है, और वहाँ पर जो है ना मतलब ये स्ट्रीट फूड मतलब वहाँ पर ये बनाया जाता है। मैंने एक बार टेस्ट किया है, बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट है,
तो और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। जी इसमें हमने मतलब जितने भी गिलास बनाना है तो पी गिलास के हिसाब से हमने एक या दो लीमू का रस डालना है इसमें। साथ में जो है ना हमने कुछ ये लीमू के स्लाइसेस डालने हैं, ठीक है। मतलब एक गिलास में आप दो तीन स्लाइसेस वो डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें जो है ना ये तकरीबन चार गिलास पानी हम लेंगे इसमें। तो इसमें हमने ये कुछ जो है ना लीमू के स्लाइसेस डाल लिए हैं ये, ठीक है। इसके साथ हमने जो है ना ये इसमें जो हमने लीमू का रस बनाया था निकाला था वो हमने डाल लिया है। साथ में हमने ले लिया है चीनी। हम जो है ना इसमें हम हसबे जायका लेंगे। मैं अभी इसमें ले रहा हूँ तकरीबन चार टेबलस्पून, तीन चार, ठीक है। इसी तरह नमक इसमें हमें चाहिए होगा। नमक आप सादा नमक भी ले सकते हैं। मैंने इसमें अभी पिंक साल्ट इस्तेमाल की है। तो इसमें पर ग्लास आपको एक जो है पिंच वो नमक चाहिए होगा। तो मैं उसके मुताबिक इसको ये तकरीबन कोई आधा टेबल स्पून से थोड़ा कम जो है ना इसमें ये नमक डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ में हमने ये डाली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें दरमियान में हमने जो है ना इस तरह काटी हुई हैं और ये काट के जो है ना हमने ये दरमियान में इस तरह काट के इसमें ये हरी मिर्चें डाल लेनी है। एक गिलास के हिसाब से एक मिर्च जो है ना ये काफ़ी होती है। और इसके साथ हम ये डाल लेते हैं इसका बर्फ ताकि ये ठंडा भी हो जाए। ये हमने इसमें बर्फ़ डाली। ये तुखमे मलंगा हमने पानी में डाल लिया। इसको अभी थोड़ा सा हमने मतलब ये कि धोना है। तो धोने के लिए इसमें जो है ना फर्दर पानी हम डालेंगे। ये फर्दर पानी हम डालेंगे और इससे जो है ना फिर इसको ये पानी निकाल लेंगे। तो इसमें जो भी गंद होगा वो सारा इससे निकल जाएगा। इसमें हमने और पानी डालना है ताकि ये इसको हम भिगो सकें। इसमें एक चीज़ है कि जितना आप पानी डालेंगे ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसमें अभी हमने ये तुखमे मलंगा एक मतलब ये भी अपने हसबे जायका जो है ना डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रा ज़्यादा डालता हूँ। अदरवाइज़ ये पर ग्लास जो है ना आप एक चम्मच भी काफ़ी होता है। इसको ग्राइंडर में नहीं कर सकते इसलिए कि अगर ग्राइंडर में करेंगे तो उसकी जो चिलीज हैं जो हरी मिर्च है या लीमू है वो भी उसमें ग्राइंड हो जाएगी तो उसको सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। कि हमने इसको ये मतलब जिस तरह ये लस्सी वगैरह या इस तरह मतलब ये कि दही पेंटने के लिए जो ये टूल इस्तेमाल होता है इसे हम इसको इस तरह अच्छी तरह पेंट लेते हैं। इसमें जो है ना अच्छी तरह हमने इसको फेंटना है ताकि जो मिर्च का जायका है वो भी इसमें आ जाए और बाकी भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। लीमू पानी, लीमू के स्लाइसेस का सब कुछ। ये शरबत हमारा तैयार हो गया है। इसको हम इसमें डालते हैं। ये जी शरबत हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त, मैंने टेस्ट किया था पिछले दिनों, बहुत ही मज़े का है। अच्छा जी, ये हमारे तकरीबन दो घंटे इसके हो गए हैं। तो हमने अभी आग बंद कर दी है। अब इसको हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी स्टीम इससे निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह 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 वाह, ये देखें ये काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है। डालते हैं डिश में, देखते हैं कैसे है। इसी का जो पानी है ये इसमें हमने जो लहसुन डाला था तो देख लेते हैं कि कितना नरम है या नहीं। ये देखें गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है। ये देखें ये पूरी मछली हमने इसमें डाली थी, ये जो है ना ये गोश्त पूरी तरह से गल चुका है। देखें
ये तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बना।